आपको जोश नहीं आ गया पार्टी में आते ही? बीजेपी में रह को तो आपने कोई ऐसे मुद्दे उठाए नहीं, और आपके पार्टी में जब होते हुए ये मुद्दे तो सारे वहीं थे। कुलवंत जी, मैंने मुद्दे तो जब भी उठाए हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ भी उठाए हैं। ठीक है, मैं पार्टी में था तो मैं बंधा हुआ था, थोड़ा एक मर्यादा में था। बीजेपी में किस प्रकार की मर्यादा सिखाते हैं कि मतलब भ्रष्टाचार हो रहा हो आपने बोलना नहीं, शहर लूट रहा हो तो आपने बोलना नहीं? बीजेपी में मर्यादा सिखाते हैं दोहरा चरित्र, सिर्फ दोहरा चरित्र है। सामने वाले को पाठ पढ़ाया जाता है लेकिन पर्दे के पीछे खेल कुछ और किया जाता है। अपना आत्मसम्मान भी होता होगा शहर में रह के, मतलब शहर में इतना घोटाला हो रहा है, कहीं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस एक आधी तो करते कि मतलब ये सिस्टम में गड़बड़ी है और आने वाले टाइम में मैं पार्टी छोड़ दूंगा। हमें तो हर बार दिलासा दिया गया कि कोई नहीं, देखते हैं करते हैं, देखते हैं करते हैं, देखते हैं करते हैं, उसी में ही हमने 7 साल 8 साल निकाल दिए। 48 घंटे में पता लग जाता है कि पार्टी कैसा चल रही है। मर्यादा में मैं बंधा हुआ था, अदरवाइज कोई ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पता था, मुझे सब पता था कि क्या हो रहा है। अंदर की बात तो आप जानती होंगे, बीजेपी के अंदर में क्या चल रहा है? पानीपत के जो स्थानीय नेता है अपने आपको कह रहे हैं हम भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, वो भी है कुछ ऐसा? इसमें से ईमानदार लोग हैं वो हमारे कॉन्टेक्ट में है, बहुत जल्दी वो आम आदमी पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं। अगर नेता चुप है और नीचे इतना मतलब मचा हुआ है, लूट मची हुई है, तो बिना किसी की रजामंदी के मची हुई है क्या? ये जो विधायक साहब हैं या सांसद साहब हैं इन पे कुछ प्रकाश डालना हो? नहीं, प्रकाश जो है डे बाय डे डल रहा है और हम डाल भी रहे हैं और हर चीज का प्रकाश डालेंगे और हर चीज का आईना दिखाएंगे। ये पूछ रहा हूँ कि ये लोग भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं क्या? नहीं, देखिए समय आने दो, सबके नकाब हटते जाएंगे। 7.5 साल तो बीत गए सर, और कब समय आएगा? मैं आपको बता रहा हूँ, समय आने दो, सबके चेहरे से नकाब हटाएंगे। सर, सांसद और विधायक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं कि नहीं? विधायक जी जो है राजनीति में फंस गए हैं, तो शरीफ आदमी है, वो राजनीति के लायक नहीं थे, सामाजिक आदमी अच्छे हैं। हाँ, शरीफ आदमी है और उनको जो है बस आप जो मर्जी कहलवाना चाहे मेरे से कहलवा लो। देखिए, निगम का एक और कारनामा जो है, हम पर्दाफाश करने के लिए आए हैं कि 3 महीने से जो ये है, ये ट्यूबवेल लगा हुआ है, ना इसमें मोटर है ना इसमें कनेक्शन है, और ये सरकारी कागजों में जो है इसमें वाटर सप्लाई दिखा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, निगम के ऐसे ही और बहुत कारनामे हैं, और मेरा जो मानना है, अगर हम इसकी RTI लगाएंगे, इन्होंने यहाँ पर ट्यूबवेल ऑपरेटर की सैलरी भी जो है चालू कर रखी होगी, जो इसको हाँ जो इसको चलाने वाला है। आज शहर में तकरीबन 1500 से 2000 के करीब जो है ट्यूबवेल हैं जिनको ऑपरेटर चलाते हैं, प्राइवेट ऑपरेटर, और ये सबकी सैलरी डाल रहे हैं। किसी को 6000 रुपये देते हैं, जो कि एक्चुअल में 12 से लेकर 15000 रुपये की सैलरी है एक ट्यूबवेल ऑपरेटर की, और ये सबकी कागजों में डाल रहे हैं, और सारा पैसा अधिकारी बड़े नेताओं के साथ मिल के खा रहे हैं। हम इसका पूरा पर्दाफाश करेंगे, इसकी RTI लगा के और सारा जो है इसका खाका पब्लिक के आगे रखेंगे, जनता को बताएंगे कि जनता का खून पसीने का पैसा कैसे लूट लूट कर खाया जा रहा है इस सरकार में। कौन इलाके का पार्षद, उससे बातचीत हो पाई है क्या? इस इलाके का पार्षद ये यहाँ वाले बता रहे हैं कि मैडम मीनाक्षी नारंग है। अब आप ये देखिए कितना गदर है निगम के अंदर, कितना जुलम कर रहे हैं कि गरीब आदमी के खून पसीने की कमाई को कैसे कैसे मतलब लूट के खाया जा रहा है। मेरे ख्याल आपको जोश नहीं आ गया पार्टी में आते ही? बीजेपी में रह को तो आपने कोई ऐसे मुद्दे उठाए नहीं, और आपके पार्टी में जब होते हुए ये मुद्दे तो सारे वहीं थे। नहीं, देखिए कुलवंत जी, मैंने मुद्दे तो जब भी उठाए हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ भी उठाए हैं। ठीक है, मैं पार्टी में था तो मैं बंधा हुआ था, थोड़ा एक मर्यादा में था, लेकिन जब सिर के ऊपर से पानी उतरा है तो मैदान में है, हर चीज़ का पर्दाफाश करेंगे, हर चीज़ को जोर शोर से उठाएंगे। अच्छा, ये बताएं बीजेपी में किस प्रकार की मर्यादा सिखाते हैं कि मतलब भ्रष्टाचार हो रहा हो आपने बोलना नहीं, शहर लूट रहा हो तो आपने बोलना नहीं? मैं आपको बताता हूँ, बीजेपी में मर्यादा सिखाते हैं दोहरा चरित्र, सिर्फ दोहरा चरित्र है। सामने वाले को पाठ पढ़ाया जाता है लेकिन पर्दे के पीछे खेल कुछ और किया जाता है। सामने वाले को राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाया जाता है और खुद दूसरे सिस्टम किए जाते हैं, जो कि हो रहे हैं, जो शहर में हो रहे हैं। आम कार्यकर्ता को भीड़ इकट्ठी करने के लिए जयंती मनवा लो, पुण्यतिथि मनवा लो। आज बीजेपी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, ये जन्मदिन यहाँ आके देखिए ना कि गरीब आदमी का पैसा कैसे खाया जा रहा है। उस जन्मदिन का क्या फ़ायदा कि गरीब लूट रहे हैं और आप जन्मदिन मना रहे हैं? कुछ अपना आत्मसम्मान भी होता होगा शहर में रह के, मतलब शहर में इतना घोटाला हो रहा है,
कहीं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस एक आधी दो करते कि मतलब ये सिस्टम में गड़बड़ी है और आने वाले टाइम में मैं पार्टी छोड़ दूंगा। नहीं देखिए, हमें तो हर बार दिलासा दिया गया कि कोई नहीं, देखते हैं करते हैं, देखते हैं करते हैं, देखते हैं करते हैं, उसी में ही हमने 7 साल 8 साल निकाल दिए। 7 साल को छोटा मतलब 24 घंटे तो बंदा करता ही है। एक पार्षद था कांग्रेस का और 48 घंटे में वापिस ही आ गया, कहता जी आप इसमें आप पार्टी में सारा करप्शन है और दोबारा कांग्रेस में चला गया। 48 घंटे में पता लग जाता है कि पार्टी कैसा चल रही है। देखिए ऐसा है, मैं आपको बताऊँ, जब किसी का नुकसान होता है, हमारी जो मर्यादा थी, हमारी लड़ाई थी फैक्ट्री वाले की, एक आदमी सारी ज़िंदगी के अंदर पूरी ज़िंदगी की उसकी मेहनत होती है, वो अपनी फैक्ट्री दुकान या मकान बना पाता है, तो मैं उन एसोसिएशनों से जुड़ा हुआ था। और देखिए आप भी समझदार हैं कि उनके काम सरकार ही कर सकती है, जो सत्ता में होगा वही काम कर सकता है। अब मैं अपोजिशन वालों को कहूँ कि इसकी फैक्ट्री बचा लो, कौन बचा लेगा? इसकी दुकान बचा लो, कौन बचा लेगा? तो इसी मर्यादा में मैं बंधा हुआ था, अदरवाइज कोई ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पता था, मुझे सब पता था कि क्या हो रहा है। अच्छा, और उसी का हम खुलासा कर रहे हैं। ये बताओ, अंदर की बात तो आप जानती होंगे, बीजेपी के अंदर में क्या चल रहा है? पानीपत के जो स्थानीय नेता हैं, अपने आप को कह रहे हैं हम भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, वो भी है कुछ ऐसा अंदर? देखिए जो इसमें से ईमानदार लोग हैं वो हमारे कॉन्टैक्ट में है, बहुत जल्दी वो आम आदमी पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं, उसमें कुछ पार्षद भी हैं और कुछ जो बड़े नेता भी हैं। मैं जो पार्षदों की बात नहीं कर रहा, बड़े नेताओं की बात कर रहा हूँ, मतलब वो है भ्रष्टाचार में लिप्त जो कह रहे हैं कि हमारे कुछ तो निगम में बैठे हुए हैं, है कुछ? मैं सीधा सीधा सवाल कर रहा हूँ आपसे, आप मुझे ये बताइए कि अधिकारी बिना नेता की रजामंदी के कभी बेईमानी कर सकता है क्या? मैं सीधा सवाल कर रहा हूँ सर, मैं तो बोल रहा हूँ, अगर नेता चुप हैं और नीचे इतना मतलब मचा हुआ है, लूट मची हुई है, तो बिना किसी की रजामंदी के मची हुई है क्या? इसका मतलब ये है कि साझेदारी है इसमें, और आप मेरे से क्या कहलवाना चाहते हैं? और आपके ये जो विधायक साहब हैं या सांसद साहब हैं, इन पे कुछ प्रकाश डालना हो? नहीं, प्रकाश तो जनता को सब पता है कि क्या हो रहा है। मैं केस चुप के मुझे सुनूंगा कि बीजेपी में आप रहे हैं, आप पार्टी में आए हैं, क्यों छोड़ के आए हैं, इनके ऊपर प्रकाश किस तरह से डाला जाए? नहीं, प्रकाश जो है डे बाई डे डल रहा है और हम डाल भी रहे हैं, और हर चीज़ का प्रकाश डालेंगे और हर चीज़ का आईना दिखाएंगे। ये पूछ रहा हूँ कि ये लोग भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं क्या? नहीं, देखिए समय आने दो, सबके नकाब हटते जाएंगे। 7.5 साल तो बीत गए सर, और कब समय आएगा? मैं आपको बता रहा हूँ, समय आने दो, सबके चेहरे से नकाब हटाएंगे। दोहरा चरित्र मैंने आपको कह दिया, तो दोहरा चरित्र है उसको हम पब्लिक के आगे आईना दिखाएंगे कि ये व्यक्ति वो है और ये नेता वो है। सर, सांसद और विधायक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं कि नहीं? मैंने आपको कहा कि बिना, ये तो दोगली बात होगी, दोहरा चरित्र होगा आपका। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं कह रहा हूँ कि बिना रजामंदी के हो ही नहीं सकता, जब मैं तो बोल रहा हूँ। वो तो मेरे की बात हो रही, जो निगम में बैठे हैं, मैं तो सीधा साधा सवाल विधायक और सांसद पे उठा रहा हूँ। देखिए विधायक जी जो है राजनीति में फंस गए हैं, तो शरीफ आदमी है, वो राजनीति के लायक नहीं थे, सामाजिक आदमी अच्छे हैं। हाँ, शरीफ आदमी है और उनको जो है बस आप जो मर्जी कहलवाना चाहे मेरे से कहलवा लो। मैं निकलवा रहा सर, मैं निकलवा रहा, जबरदस्ती नहीं, आप अपने मुझसे बात करेंगे सर आपसे थोड़ा सा, ये भी नए नए आए ना पार्टी में, मुद्दा तो हमारा ये है कि ट्यूबवेल के ऊपर सारा। देखिए विधायक महोदय शरीफ हैं और वो राजनीति में फंस गए हैं, उनको ज्ञान नहीं था, लेकिन उनको भी आईना है, उनको भी आईना है कि क्या हो रहा है, कैसे शहर लुट रहा है। चलो आने वाले टाइम में खुलासे करेंगे, बिल्कुल रोज करेंगे।